आपयू के दूसरे टॉपिक में जानेंगे आपयू के जोड़ने और घटाने के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए a बराबर हमारी एक वैल्यू दी है 4372 और b बराबर दी है 1 4 -2 2 और आपको बताना है a प्लस बी या a माइनस बी। मैं आपको एक बात बता दूं, दोनों ही सेम तरीके से होते हैं, ज्यादा अंतर नहीं होता। तो हमसे a प्लस बी पूछा है तो लिख देंगे a प्लस बी बराबर। तो a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू को उतार देंगे 4 7 3 2, प्लस की जगह प्लस लगा लीजिए और b की जो वैल्यू है उसे आप लिख दीजिए। अब आपने ये वैल्यू इस तरह से लिख दी। इसके बाद में देखिए करना क्या होता है, हमको सिर्फ इतना करना है, जैसे कि ये है यहाँ पे पहला है ये, इसको आप इसके साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे से ऐसे बोल दीजिए, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ वाले ऑब्जेक्ट को आप पहली पंक्ति पहले स्तंभ के ऑब्जेक्ट से जोड़ेंगे। तो इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, सिंपल ही रखते हैं। तो इसमें क्या है कि इसको आप इसके साथ जोड़ेंगे, इसको आप इसके साथ जोड़ेंगे, तो ऐसे आपको जोड़ने होते हैं। तो अब क्या जोड़ेंगे, देखिए 4 है तो 4, बीच में प्लस तो प्लस, और यहां पर कितना 1 तो 1 लिख देंगे। यहां पर है हमारा 3 तो 3 रहने देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस, और ये आ गया आपका माइनस का 2। अगर डायरेक्ट अगर प्लस में होता तो उसे डायरेक्ट लिख देते, अभी इसे ऐसे लिख देते हैं। तो 4 + 1 3 + और ये आपका -7 आ गया, 7 7 रहेगा, बीच में प्लस की जगह प्लस, और यहां पर देखिए इसकी इससे होगी तो इसका आ गया 4। इसमें है 2 और इसका होगा इससे, तो आप लिख सकते हैं 2 + 2। अब आप इसे सादा सॉल्व कर लेंगे तो 4 और 1 कितना हो गया आपका 5, 7 और 4 कितना हो गया 11, 3 जैसे ही तो आप ब्रैकेट खोलेंगे वैल्यू हो जाएगी माइनस की, प्लस माइनस 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 का 2 आ गया, 2 और 2 हो जाएगा आपका 4। आप इसे आगे सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5 11 और यहां पर आ गया 1 4, इस तरीके से ही आ गया आपका a प्लस बी। ऐसे आपने निकाल दिया a प्लस बी। अगर आपसे पूछा जाए कि a माइनस बी निकालिए फिर क्या करेंगे आप, वो भी आसान है, उसमें कुछ नहीं है। देखिए 4 3 आपका वही लिखा जाएगा 7 2, बीच में माइनस की जगह माइनस, और बस जहां पर आपने प्लस किया था वहां पर अब आप माइनस करेंगे। देखिए पहले ऑब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट के साथ तो 4 - 1, पहले ऑब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट के साथ, दूसरे को आगे दूसरे वाले के साथ, यानी कि 3 माइनस, और देखिए माइनस का 2 पहले से है तो माइनस माइनस हो जाएगा यहां प्लस। अब थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, 3 3 रहेगा, माइनस यहां पे है और ये माइनस का 2 तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2, 7 7 रहेगा माइनस, और इसके साथ वाली वैल्यू है 4 तो 4, 2 2 रहेगा माइनस आपका आ जाएगा 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर तो 4 और 1 5 आ गया, सॉरी 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और 4 में 7 में से 3 गया, 4 गया तो 3 बचा, यहां पे यहां पर आ जाएगा आपका 5 और ये हो गया 0। तो ये है आपका a माइनस बी। तो ये आ गया आपका a माइनस बी। तो ये है आपकी छोटी वैल्यू के लिए है आपका a प्लस बी और a माइनस बी के लिए। अब हम देखेंगे 3 वाले, जब 3 संख्या आ जाए तब इसे कैसे करेंगे। मान लेते हैं a बराबर हमें दिया गया है 4 5 3 8 1 7 6 3 9 और b बराबर आपको दिया गया है 1 1 5 2 - 4 3 1 2 - 7। इस तरह से आपको अगर 9 वाली वैल्यू दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि a प्लस बी बराबर बताइए, तो इसमें भी आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको आराम से इसे कर देना है। आप इसे ऐसे करेंगे, देखिए ये 4 है तो ये 1 के साथ जुड़ेगा, पहले तो आप इनकी वैल्यू टोटल लिखेंगे, जैसे कि 4 8 6 5 1 3 3 7 9, प्लस की जगह प्लस और वैल्यू पूरी उतार देंगे। अब आपने जब वैल्यू उतार दी तो इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो 4 और 1 कितना हो गया आपका 5, 8 को 1 के साथ जोड़ेंगे 8 और 1 कितना हो गया 9, 6 को 5 के साथ जोड़ेंगे 6 और 5 11। अब आप जल्दी भी कर सकते हैं, समझ गए होंगे आप। 5 को 2 के साथ जोड़ेंगे हो जाएगा 7, 1 को 4 के साथ जोड़ेंगे, तो देखिए 1 को आप 4 के साथ जोड़ रहे हो,
एक एक रहेगा प्लस माइनस माइनस, माइनस का चार, सॉल्व करेंगे आएगा माइनस का तीन, तो यहां पे आप लिख देंगे माइनस का तीन, तीन और तीन हो जाएगा हमारा छह, तीन और एक हो जाएगा चार, सात और दो हो जाएगा नौ, यहां पे से यहां है नौ प्लस और यहां माइनस का सात है, तो आप इसे यहां देख सकते हैं नौ प्लस माइनस का सात, तो नौ माइनस सात आ गया दो, ये आ गया आपका ए प्लस बी। इस तरह से आप a प्लस बी और a माइनस बी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे करके आपके सवाल सॉल्व किए जाते हैं, इतने पे ही आप पूरे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आपके लिए थोड़े बहुत भी क्यों ना आ जाए। अगर आपसे आ जाए कभी सवाल a प्लस बी प्लस सी, तो इसमें इतना है कि तीनों को जोड़ देना, और अगर कभी लिखा आ जाए a प्लस बी प्लस सी, इसमें भी यही है कि पहले ए बी को जोड़िए और फिर सी को जोड़िए, इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये ज्यादा कोई कठिन बात नहीं है। अगर फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट में डाल सकते हैं।